जी डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक सबको भाई अमराज से बचाए, अपनी हिफाजत रखे और अपना और अपने अजीजों का बहुत ख्याल रखें। घर पर रहें और सेफ रहें प्लीज़। ईद ईद के बाद हमने ईद से पहले हमने दो टॉपिक्स स्टडी किए थे, एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर डिस्क्रीट के अंदर एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया है हमने और एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में है एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। इस पर बहुत मेहनत की गई है। आपको पहले मैंने पीडीएफ बनाकर क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको सेंड कर दिए हैं। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसको समझना है, ये है क्या समझाना। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह डिस्टेंस लर्निंग में टीचर के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसको एक अच्छी कोशिश की गई है। स्लाइड्स के अंदर आपके डायग्राम्स बनाकर, आपको टेबल्स बनाकर और कोशिश की गई है स्लाइड्स अच्छी बनाई जाएं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आपने बगौर समझ लेना है, इतनी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज़रा तवज्जो कीजिएगा, थोड़ा सा क्रिटिकल है। और वो अगर आप समझ जाते हैं तो इंशाल्लाह आपके एक्सरसाइज, आपके क्वेश्चंस, ये पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो भी आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो प्लीज़ ज़रा अपनी तवज्जो रखिएगा। तो इसको मैं कोशिश करूँगा 2-3 लेक्चर्स में कवर करूँ, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट 1 ये है आज का। और इसके बाद मैं पार्ट 2 पार्ट 3 में कोशिश होगी कि 3 लेक्चर्स में हमारी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कवर हो जाए। ये बेसिकली बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिटिंग फॉर्म है कि अगर हम एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दें कि नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, हम थोरेटिकली ये कहते हैं एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और पी और क्यू जो हैं वो मॉडरेट हो जाएं, वो दोनों के दोनों ऐसे हों कि वो एक दूसरे के करीब हों। यानी पी अगर इक्वल टू 0.5 है तो क्यू भी डेफिनेटली 0.5 हो। पी यूं कह सकते हैं मैथमेटिकली, इफ पी अप्रोचेस टू क्यू, या पी एंड क्यू आर फेयरली नियर इक्वल, पी अप्रोचेस टू क्यू या क्यू अप्रोचेस टू पी, पी और क्यू जो हैं वो दोनों इक्वल हो जाएं, करीब करीब हों, यानी वो नॉर्म पी यानी यूं समझ लें कि 0.5 के करीब हो। अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेट टू हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने म्यू कहना है मीन के लिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा साइन यूज किया जाएगा। ये फिर इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाई, इसका फॉर्मूला ये है, एफ ऑफ एक्स इजकल टू 1/σ स्केयर रूट 2π। ये स्केयर रूट में 2π है, सिग्मा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ई की पावर ई रेज टू द पावर -1/2, ये ब्रैकेट ब्रैकेट के बाहर है, एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्केयर। इस एक्स माइनस म्यू और सिग्मा का स्केयर है ये, और यहाँ एक्स की वैल्यू -∞ से +∞ है। यानी ये जो लाइन है, अगर हम इसको ग्राफ ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें तो ये एक बेल शेप बन जाती है। इस तरह से एक स्मूथ सी, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। और ये सिम्प्टोटिक है कि जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे रियल लाइन के ऊपर नेगेटिव साइड पर, तो ये बढ़ती जाएगी और कभी भी एक्स एक्सिस पर टच नहीं करेगी, और यूं ही राइट साइड के ऊपर। तो ये समझ लो कि -∞ से +∞ इसकी डोमेन है, इस फंक्शन की डोमेन -∞ से +∞ है। और यहाँ देखें कि 1/σ स्केयर रूट 2π ई रेज पर माइनस, ये माइनस के साथ -1/2 एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा स्केयर, एंड वेयर एक्स वेरीज फ्रॉम -∞ टू +∞। याद रखें जब भी इन्फिनिटी होगा तो इक्वल साइन नहीं लगाएंगे आप। अब ये करें, नोटबुक निकालें और ये फॉर्मूला लिखें, आप रिवाइज भी कर लें, बाइनोमियल का फॉर्मूला भी आप दोबारा लिखें, पाइथन का भी लिखें, और यहाँ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये राइट डाउन करें अपनी नोटबुक पर।
इसको हम जो कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके फंक्शन को डेंसिटी फंक्शन कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। इसको बार बार लिखो। और यहाँ दो कांस्टेंट यूज हो रहे हैं, एक पाई और एक ई। पाई आप जानते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14159, इस तरह का साइन अप्रोक्सीमेटली इक्वल के लिए होता है। ई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.7182, क्योंकि ये दोनों इरेशनल नंबर हैं और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग दोनों नंबर हैं, इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेटली, ये 5 डेसिमल प्लेस तक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू दे दी गई है, ये 4 डेसिमल प्लेस तक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। देखें, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो महवर रहेगा ये ग्राफ रहेगा। ये ग्राफ पे गौर कर लें, ग्राफ एक सिमेट्रिकल इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, बेल शेप। इसको ट्राई करें पहले नोटबुक के ऊपर बनाने की, ड्रॉ करने की। पहले एक लाइन स्केच करें ऐसे, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर। फिर आप यूं यहाँ से लेफ्ट साइड से शुरू करते हुए इसको बिल्कुल सिमेट्रिकली इस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करें, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्मूथली ड्रॉ हो जाएगी। ओके, यहाँ सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है स्लाइड के अंदर, और एक ग्राफ की पहचान होनी चाहिए कि, फिर मैं बार दिखाता हूँ कि यही डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इस तरह से होगी। इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, एक है म्यू और एक है सिग्मा। तो याद रखना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो पैरामीटर्स हैं, वन इज मीन, मीन इज म्यू, एंड द सेकेंड वन इज सिग्मा, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। और बाकी एक्स जो है वो एक वेरिएबल है, ई और पाई जो हैं वो कांस्टेंट हैं। तो दो आपके पैरामीटर्स हैं इसके अंदर। तो अगर म्यू की पहचान देखें, म्यू अगर चेंज, म्यू जहाँ इसका सेंटर होता है वो म्यू है उसका मीन एवरेज। ये जैसे 3 है, म्यू इज 3। ये जो बेल शेप फर्ज करें, एक एक पे गौर करें, एक बेल शेप है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें सिग्मा वेरी कर रहा है, सिग्मा जैसे जैसे कम होता जाएगा ये इस तरह से पीक पीकनेस बढ़ती जाएगी उसकी। सिग्मा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये फ्लैटेड होती जाएगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका बिहेवियर इस तरह से होता है कि सिग्मा बढ़ने से ये इस तरह से फ्लैटेड होती जाएगी और नीचे डाउन होती जाएगी, और जैसे जैसे ये सिग्मा कम करते जाएंगे तो ये इसकी पीकनेस बढ़ती जाएगी, और जो है जो हाई हाइट इसकी बढ़ती जाएगी, इसका स्प्रेड कम होता जाएगा। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्प्रेड का नाम ही होता है। और ये लाइन पे गौर करें तो ये लाइन ना खत्म होने वाली रियल लाइन है, माइनस साइड पर भी है और प्लस साइड पर भी है। तो मीन ये डिपेंड करेगा म्यू के ऊपर कि इसकी इसका सेंटर कहाँ आता है डिस्ट्रीब्यूशन का। म्यू अगर 0 है तो ये सेंटर, ये देखें इसमें म्यू 0 है, तो म्यू 0 होने की वजह से सेंटर यहाँ आ जाता है। ठीक है, म्यू चेंज करेंगे तो ये इसका सेंटर की लोकेशन है, सिग्मा चेंज करेंगे तो इसकी पीकनेस है। ठीक है, इसकी पीकनेस, इसकी हाइट, और इस हिसाब से जैसे जैसे सिग्मा कम होता जाएगा इसकी पीकनेस बढ़ती बढ़ती जाएगी और स्प्रेड इसका कम होता जाएगा। और जो मीन है वो उसका सेंटर पोजीशन होती है। मीन अगर 0 करता हूँ तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह शिफ्ट हो जाएगी। मीन अगर 3 है तो यहाँ है, म्यू अगर मैं 6 कर देता हूँ तो यही सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका सेंटर 6 बन जाएगा। यहाँ कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है कि तकरीबन ये एक तो ये बताया जाता है ना कि इसकी माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी इसकी डोमेन है, लेकिन ज्यादातर कवरेज जो है वो ये देखें -1 और +1 अगर हम देखें तो ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन जो एरिया है वो तकरीबन 64.2% कवर कर जाता है। ये देखें डिस्ट्रीब्यूशन पूरी कवर कर जाती है इन दो लिमिट्स के दरमियान। अगर मैं मीन इसका कर दूं 0 तो ये 0 है, और सिग्मा अगर 1 कर दिया जाए, ये सारी वैल्यू सिग्मा की वैल्यू 1 होगी, तो आपके पास नंबर लाइन इस तरह से आ जाएगी। तो -1 और 1 के दरमियान देखें 68.2% कवरेज है पूरी डाटा की, पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर मैं एरिया की बात करूं, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल एरिया
अगर 100% ले लिया जाए तो 100% में से 68% तकरीबन 1 माइनस 1 के बिटवीन आ जाता है। और देखो 2 माइनस 2 के बिटवीन एरिया 95.4% कवर हो जाता है। 2 और माइनस 2 के बिटवीन एरिया ये 13.6 और 13.6, ये 34.1, 30, इन चारों को फोर वैल्यूज को ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाता है 95.4%। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल एरिया अगर 100% है तो इसकी कवरेज माइनस 2 से प्लस 2 तक की 95.4% है। अगर 3 तक ले जाएं तो ये तकरीबन 99.7% है। बताना ये चाह रहा था कि ये 2 के एसिम्प्टोटिक बढ़ती जाएगी सिर्फ, कभी भी ख़त्म नहीं होनी, ये टेल जो है साथ साथ रहेगी और ये आगे तक बढ़ती जाएगी। इस तरह राइट साइड से भी टेल जो है वो ये वाली जो ग्राफ की ये कर्व आ रही है तो बिल्कुल इसके साथ साथ चलती जाएगी, लेकिन टच नहीं करेगी, तो सिम्प्टोटिक चली आगे बढ़ती जाएगी। और अगर हम एरिया की बात करें, जो सामने हमारे पास फिगर नज़र आएगी तो तकरीबन माइनस 3 और 3 के बिटवीन ऑलमोस्ट 99.7% कवरेज हो जाती है इसकी। तो यही वजह है जब हम इस तरह से ड्रॉ किया करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ तो ये ज्यूम कर लेंगे कि तकरीबन माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से उसकी कवरेज हो जाती है। ओके, तो ये ग्राफ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ये लिमिट्स किस तरह से डिज़ाइन करनी है। एक तो ये सिमेट्रिकली आपने स्केच कर लेना है, दूसरा नंबर लाइन के ऊपर इस तरह से आपके पास नंबर शुरू हों, 1, 1, 2, 3 तकरीबन 6-7 नंबर्स आपके सामने नजर आएंगे, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3 इसकी। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे देखिए एक बेल शेप होती है ये, अगर मैं 3D में इसको ले जाऊँ ना, इसको मैं रोटेट कर दूँ तो बिल्कुल वो बेल की तरह, जैसे हम कहते हैं ना बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, वो जो बेल है जो मंदिरों में बेल लगी होती है, तो इस तरह से ये बेल बेल शेप कहा जाता है, बेल शेप्ड, कि इट इज़ बेल शेप्ड, ये जो ग्राफ है इसका वो बेल शेप्ड है, एक सिमेट्रिक है। अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दूँ एक्स इक्वल टू म्यू, यहाँ क्योंकि मैं इसको म्यू कहूँगा, अभी तो जीरो बताया गया ना, सेंटर्स का म्यू कहलाएगा, तो एक्स इक्वल टू म्यू के अबाउट ये सिमेट्रिक है, यानी ये लाइन एक्स इक्वल टू म्यू कहलाएगी। अगर मैं लाइन ड्रा कर दूँ यहाँ से सेंटर में, आप लाइन ड्रा कर लें यहाँ, तो इस लाइन की लेफ्ट साइड पर देखें और राइट साइड पर देखें तो वो सिमेट्रिक है। तो ये वजह है लिखा है द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इक्वल टू म्यू, यानी इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक है और एक्स की रेंज माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। अच्छा, मीन और मीडियन और मोड, इसका मोड हाईएस्ट पॉइंट होता है, मोड और मीन मीडियन तीनों कोइंसाइड करते हैं, तीनों एक ही पॉइंट को जाहिर करेंगे एक्स इक्वल टू म्यू। म्यू मीन भी कहलाएगा, मीडियन भी कहलाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और मोड भी कहलाएगा। इट कैन शोन दैट इट हैज अरिथमेटिक मीन, हाँ इसका जो मीन है वो म्यू के साथ लिखेंगे, इसके वेरियंस को सिग्मा स्क्वायर के साथ लिखेंगे। ये एसिम्प्टोटिक है, एसिम्प्टोटिक का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पर बढ़ती जा रही है साथ साथ, और राइट साइड पर भी बढ़ती जा रही है और टच नहीं करेगी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर एक्स माइनस म्यू कर लिया जाए तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जहाँ पर उसका कर्वेचर चेंज हो रही होती है, कि कनकेविटी चेंज हो रही होती है, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो वो मिलेंगे आपको म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के ऊपर। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक बिहेवियर होता है कि जैसे जैसे मीन चेंज करते जाएंगे, सिग्मा चेंज करते जाएंगे, तो उसकी शेप चेंज होती जाती है। जैसे अभी पिछले स्लाइड में देखा था कि सिग्मा बदलने से पीकनेस में वेरिएशन आ रही है, और म्यू चेंज करने से उसकी पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चेंज आती है। इसको नॉर्मलाइज करने के लिए, इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल कहते हैं। ये देखिए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, और अगर मैं इस तरह कर लूँ ना कि एक नॉर्मल वेरिएबल हो हमारे पास एक्स, एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, उसको हमने जेड के इक्वल कर लिया, इसका नाम होगा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल।
इसकी खसूसियत ये है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की कि इसका मीन कैलकुलेट किया जाए तो हमेशा जीरो आएगा। कोई भी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल ले लें और उस रैंडम वेरिएबल का मीन माइनस कर लें और सिग्मा उसकी उसी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसे डिवाइड कर लें, अब ये जो नया वेरिएबल बनेगा इसका मीन जीरो होगा और अगर इसका वेरियंस कैलकुलेट करेंगे तो वन होगा। तो इस तरह से हमने नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ कोई भी रैंडम वेरिएबल जिसका मीन म्यू है और सिग्मा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, जब हम इसको नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में तब्दील कर लेते हैं तो डेफिनेटली फिर म्यू जीरो हो जाता है, उसका ये एक्स एक्सिस की जगह ये जेड एक्सिस बन जाता है और सिग्मा उस वेरिएबल का जो जेड है जेड वेरिएबल उसका सिग्मा वन है, सिग्मा वन के इक्वल हमेशा रहेगा और म्यू जो है मीन जीरो के इक्वल होगा। ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है, इसका नाम होगा स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, स्टैंडर्डाइज का मतलब है मीन और वेरियंस को फिक्स कर दिया गया है, अब ये वेरिएबल नहीं रहे, मीन जीरो और स्टैंडर्ड डेविएशन वन। तो इसको हम अ नॉर्मल कर्व विद मीन जीरो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वन इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह दें या स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। तो मोस्टली हमने अपने क्वेश्चंस को अपना जो भी अब हमने आगे फर्दर पढ़ना है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो स्टैंडर्ड नॉर्मल से किया करने हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के केस में, और हम इसको पहले कन्वर्ट कर लिया करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल में। स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये होगा जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो फिर हम आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। इसका आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, अब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से लिखा जाएगा एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/2 पाई, क्योंकि सिग्मा वन हो गया है और म्यू जो है वो जीरो बन गया है तो इसलिए एक्स की जगह हमने जेड कह दिया है। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई स्केयर रूट ई की पावर माइनस, ये साथ जुड़ा हुआ है माइनस माइनस आया था इसके, माइनस जेड स्केयर बाई टू और ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर एक्स की रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है तो आप गौर करें कि यहाँ जेड की भी रेंज यही होगी, एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं तो जेड भी माइनस इन्फिनिटी होगा, अगर एक्स की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पुट करते हैं तो जेड की वैल्यू भी प्लस इन्फिनिटी होगी। इट इज डिनोटेड बाय, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं एन जीरो मीन और वेरियंस वन, एन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन जीरो एंड वेरियंस वन, ऐसे देखें ये हैविंग मीन जीरो एंड वेरियंस वन, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। अ रैंडम, अब मैं शुरू से पढ़ता हूँ, अ रैंडम वेरिएबल जेड विच हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू इज इक्वल टू जीरो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू वन इज सेड टू बी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स प्रॉपर्टी इट सॉरी इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाई, ये इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ये जेड की रेंज है, ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जेड इसके इक्वल है एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, और ये बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करने का एक ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फायदा ये होगा कि जब मीन चेंज होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन चेंज हो रही थी और सिग्मा चेंज कर रहे थे तो उसकी पिकनेस चेंज हो रही थी, उसको अब स्टैंडर्डाइज करने के लिए फिक्स करने के लिए हमने इसको कन्वर्ट करना होता है जेड वेरिएबल के अंदर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल के अंदर, और इस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का फॉर्मूला एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, इसका मीन जीरो मिलेगा हमेशा और इसका वेरियंस वन। तो अब ये फिक्स हो जाती है, अब ये शेप चेंज नहीं होगी कि सेंटर इसका जीरो पर आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन वन होने की वजह से ये पीकनेस एक फिक्स हो जाती है। हाँ, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया पर अगर आए, प्रोबेबिलिटी जब भी हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है क्वेश्चंस के अंदर तो बेसिकली वो एरिया फाइंड कर रहे होते हैं। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर एरिया और प्रोबेबिलिटी के दरमियान 1:1 कॉरेस्पोंडेंस है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। अगर हम एरिया कैलकुलेट करें इस डिस्ट्रीब्यूशन का माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो टोटल एरिया 1 के इक्वल होता है। तो ये शेड करके दिखाया जा रहा है कि एरिया को अगर हमने ऐसे शो करना है तो ये 100% इसको 1 में लिख दूंगा, और अगर इसका हाफ एरिया कर लिया जाए क्योंकि ये सिमेट्रिक है
हाफ हाफ एरिया एक इस लाइन के लेफ्ट साइड पर हाफ एरिया होगा और इस सेंटर लाइन के राइट साइड पर हाफ एरिया होगा। अगर मैं इसको शेड कर दूं राइट राइट टेल्ड राइट साइड, तो ये 50% है, यानी 0.5 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, यानी एरिया इसका 0.5 है। इसी तरह लेफ्ट साइड पर देखें तो वो 0.5 है। हाँ, मसला ये आता है कि जब हमें किसी स्पेसिफिक वैल्यू तक का एरिया मालूम करना हो तो फिर हम कैसे एरिया फाइंड करेंगे। या तो आप कैलकुलस के कैलकुलस को यूज़ करते हुए हम फंक्शन जो दिया है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उसका हम इंटीग्रेट कर लेंगे 0 to 2। अगर इंटीग्रेट कर लें उसको, डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करें, तो हमारे पास ये आंसर मिलेगा 0.4772। लेकिन क्योंकि स्टेटिस्टिक्स में हमने कैलकुलस का फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे हम, बल्कि हम एक टेबल का सहारा लेंगे। ये इसी तरह जैसे लॉगरिथम के क्वेश्चन जब हमारे शुरू में हमने करने थे, जब मैट्रिक में हमने स्टार्ट किए थे, तो हमने एक टेबल का सहारा लिया था, लॉगरिथमिक टेबल। तो यूं ही स्टेटिस्टिक्स के अंदर जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो एक टेबल दे दिया जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी टेबल, या उसको जेड टेबल भी कहेंगे। तो वो अभी अगली स्लाइड में आपको दिखाया जा रहा है। ये इस तरह का एक टेबल होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल है। इसकी मैं वर्किंग इस तरह सिखाता हूँ आपको कि अगर आपने एरिया फाइंड करना है ये वाला, इसको लिखा ऐसे जाएगा कि प्रोबेबिलिटी 0 to 2, ये देखें 0 से 2 तक इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। ये देखें पी 0 < z > 2, इसका मतलब है 0 और 2 के बिटवीन प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। और ये हम टेबल के थ्रू इसको इसको फाइंड करेंगे। ये जो 0.4772 आंसर मिला है, ये टेबल से हमें वैल्यू मिली है। टेबल को इस तरह से देखेंगे कि z की वैल्यू जो 1 डेसिमल प्लेस तक है इस तरफ लिखी गई है, ये लेफ्ट कॉलम पर, ये 0.1, 0.0, 0.1, 0.2, 0.1 का फर्क के साथ आगे बढ़ती जा रही है। ये टेबल आगे तक बढ़ता जाएगा, ये तकरीबन 3.9 तक, आमतौर पर हमें 3.5 या 3.9 तक आपको दिया जाता है, क्योंकि ये 99.7% तो 3 वैल्यू तक कवर कर जाता है। इस तरफ ये जो पहले पहली रो है, ये आपका सेकेंड डेसिमल प्लेस है, यानी z की वैल्यू यहाँ तो लिखी है ना, राउंड राउंड में लिखी है, 2 है या 0 है, ये 2 डेसिमल प्लेस तक भी हो सकती है। जैसे 1.12, तो हम करेंगे 1.1 ये ले लिया और 2 इधर से ले लेंगे, ठीक है, 1.12 के अगेंस्ट हमें प्रोबेबिलिटी ये मिलेगी। ये जो आपको पहली रो दी है इस बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये सेकेंड डेसिमल प्लेस है z का। आसानी के लिए आप ऐसे समझ लें कि इनको जमा कर लिया जाएगा, 0.1 अगर मैं ऐड करूं 0.0 तो 0.10 बन गया ना, 0.10, 0.1 में ये मैं ऐड कर दूं तो 0.11, z की वैल्यू 0.11। तो आगे मजीद आप समझ जाएंगे जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, लेकिन अभी यहाँ ये समझो कि अच्छा, ये टेबल जो है दो तरह से आमतौर पर टेबल दिए जाते हैं। एक एक जीरो के रेफरेंस से टेबल दिया जाता है कि 0 से ऑनवर्ड आपको कोई भी वैल्यू दे दी जाए तो वो आपको एरिया बता देता है। जैसे यहाँ 2 है, तो मैं अब z की वैल्यू 2 देखूंगा, ये देखें 2.0, ये आ गई 2.0, तो 0 इधर से भी मिला लिया, तो 2.00, इस 2 का मतलब है 2.00। तो ये अंडरस्टूड होगा कि ये 0 के रेफरेंस से हमें एरिया दे रहा है टेबल, यानी एक वैल्यू आपको दे दी जाएगी एंड एंड वाली, और शुरू वाली ये अंडरस्टूड होगा कि ये 0 से स्टार्ट कर रहा है टेबल, ये अंडरस्टूड है कि 0 से स्टार्ट कर रहा है। जैसे यहाँ देखो 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, 0 पर तो उसके आंसर 0 है, यानी 0 से 0 तक का एरिया कितना है 0। और अब अगर मैं इस वैल्यू को z की वैल्यू 2 तक तो ले जाऊँ और मैं इसको पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को शेड कर दूँ, तो ये हमारे पास एरिया बन जाता है, शेडेड एरिया, और वो ये टेबल में दिया हुआ है 2.00, यानी 0.4772, ये देखें 0.4772, इसका आंसर
ये टोटल शेडेड एरिया जो आपको इस तरह हाईलाइट किया गया नजर आ रहा है, ये 0.4772 के इक्वल है। तो ठीक है, एरिया किस तरह फाइंड करना है टेबल को यूज करते हुए, तो ये अच्छी तरह समझ लें। एक दो क्वेश्चंस अगर आप समझ जाते हैं तो आगे पूरी पूरा लेक्चर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का समझना आसान होगा। नेक्स्ट कि अगर आपको मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ कि 0 से 1 तक मैं कहता हूँ एरिया फाइंड करें, तो सिंपली उसी टेबल को यूज़ कर लें। टेबल आपको दे दिया जाएगा और मैंने पीडीएफ फॉर्म में दोनों टेबल इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। एक टेबल है कि 0 के रेफरेंस से एरिया बताता है, दूसरा टेबल है माइनस इन्फिनिटी से किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू तक का एरिया बताता है। और मैंने जो यूज़ किया है इन स्लाइड्स के अंदर, वो पहले पहला जो टेबल है कि जो 0 के रेफरेंस से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं 0 से 1 तक एरिया फाइंड करना चाहूँ तो मैं जाऊँगा इस टेबल में 1 के ऊपर 1.0, ये वैल्यू मिली हमें 0.3413। सो ये शेडेड एरिया आ गया 0.3413। यानी इसका यही क्वेश्चंस करने का यही स्किल है कि आपको टेबल का यूज आना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है कि जितना एरिया, गौर करें कि जितना एरिया 0 से 1 तक है बिल्कुल उतना ही एरिया होगा, एरिया ये देखें, ये कवर्ड एरिया शेडेड एरिया, उतना ही एरिया होगा जितना माइनस इनफिनिटी 0 और 0 से 1। और ये अगर क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरह से आ जाए कि फाइंड करें प्रोबेबिलिटी माइनस वन से 0 तक की, तो आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है 0 से 1, क्योंकि आप लिखेंगे ड्यू टू सिमेट्री। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक सिमेट्रिक है, जितना एरिया माइनस वन से 0 तक है उतना ही एरिया 0 से 1 तक है, क्योंकि टेबल ने आपको माइनस वैल्यू नहीं दी हुई, आपको टेबल के अंदर प्लस वैल्यू दी हुई है। तो हम इनडायरेक्टली इसको फाइंड करेंगे, माइनस वन से 0 तक अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हम एरिया इनडायरेक्टली फाइंड करेंगे। इसको इस तरह से लिख देंगे कि दिस इक्वल्स टू 0 to 1, और ये हम फिर आगे फर्दर टेबल यूज कर लेंगे। 1.00 पर वैल्यू है 0.3413, तो इस तरह से हम 0.3413 मेंशन कर देंगे, राइट डाउन कर देंगे। तो ये एरिया उतना ही बना जितना 0 से 1 तक है, और शेड के एतबार से भी देखें वही बनेगा आपके पास। ये पॉइंट यहाँ है तो यहाँ 1 आ जाएगा, है ना, उतना ही एरिया आपके पास 0 से 1 और माइनस वन से 0 सेम एरिया होगा। हाँ, यहाँ फिर दिखा दिया गया कि अगर ये पूछ लिया जाए कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ माइनस वन से 0, यहाँ लिखना थोड़ा सा मिसिंग हो गई है, एक हमें लिखना था प्रोबेबिलिटी माइनस वन लेस आर इक्वल टू जेड लेस आर इक्वल टू 1, यानी माइनस वन से 1 तक की प्रोबेबिलिटी बतानी है। और ये एरिया देखें 0.3413, ये भी 0.3413 है, इन दोनों को प्लस कर लें और ये हम प्लस करने के बाद 0.6426 के इक्वल आ जाता है। हाँ, ये देखें, अगर जब हम कहते थे ना कि ये सेकंड डेसिमल प्लेस से क्या हो रहा है, पिछले क्वेश्चंस के अंदर 1 लिखा था, अब मैं अगर ये कर दूं 1.25, तो 1 ये 1.2, ये 1.2 आ गया, और इधर से आप 0.5 इन दोनों को क्रॉस करें, ये देखिए 1.25, सही है, ये 1.2 और इधर से 5, अगर ये 4 होता 1.24 तो हम करते हैं 1.2 और 4 इधर होते, अगर ये होता है 1.26 तो हम ये करते हैं 1.2 ये 6, अगर होता 1 अकेला 1.2 तो 1.20 यानी 1.20। सो ये एक सेकंड डेसिमल प्लेस है, इस सेकंड डेसिमल प्लेस में अगर जो 5 है तो आप 5 पर आ जाएं। इस कॉलम में ये वैल्यू आप चेक करें 0.3944, इसका आंसर बन गया 0.3944। अगर आप ग्राफ पर स्केच करें तो 0.02 1.25, इसको इस तरह से शेड कर दें तो ये टोटल एरिया आपका 100% होता है। अब ये इतना स्पेसिफाइड एरिया जो है वो 0.3444 है, 0.3944 है, यानी 39.44% भी कह सकते हैं। प्रोबेबिलिटी को आप जानते हो कि डेसिमल में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाता है आपको कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें जेड ग्रेटर देन 1, प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर देन 1, आप देखो
ग्रेटर देन वन से मुराद ये वाला है कि इस वन से ऑनवर्ड एरिया बताना है, हमें ये शेडेड एरिया बताना है। इसको हम डायरेक्ट टेबल से नहीं देख सकते क्योंकि टेबल ने बताना होता है जीरो से वन तक का एरिया, और ये देखें जीरो से वन तक का एरिया वो ये बताएगा आपको 0.3413। और कॉमन सेंस या जनरल नॉलेज से या प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम जानते हैं कि जीरो से ऑनवर्ड टोटल एरिया 0.5 होता है। आप देखिए कैसे निकालने लगे हैं कि 0.5 होता है, और हमें चाहिए एरिया वन से ऑनवर्ड। ये देखें ये वन से ऑनवर्ड, तो हम इस तरह से कर लेंगे कि 0.5 में से वन तक का एरिया टेबल में से निकाल कर माइनस कर देंगे। अब मैं टेबल से अगर एरिया देखूं वन का तो 0.3413 है, तो ये अगर मैं ग्रे कलर में शेड कर दिया मैंने, इसको स्किप करना है, 0.3413 के इक्वल है, और इसको मैंने टोटल 0.5 में से माइनस कर दूंगा। तो ये 0.5 में से जब माइनस होगा ये देखें तो ये 0.1587, तो एक से ऑनवर्ड यानी वन टू ऑनवर्ड एरिया ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.1587 है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं कि दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपको सिचुएशन इस तरह से आ जाए कि वो कह दे कि आप जेड ग्रेटर देन वन की प्रोबेबिलिटी बताएं, तो आपने इस हाफ एरिया में से वन तक का एरिया माइनस कर देना है जीरो से वन, क्योंकि टेबल आपको जीरो से किसी भी वैल्यू तक का एरिया बताता है। तो जीरो से वन तक का एरिया आप जानते हो 0.3413 है बाई यूजिंग द टेबल, इसमें 0.5 में से माइनस कर दें तो ये आपके पास वो एरिया आ जाएगा जो रिक्वायर्ड है कि वन से ऑनवर्ड का एरिया कितना है। इससे ऑनवर्ड एरिया बना 0.1587, राइट। मजीद अगर ये एरिया बिटवीन पूछ लिया जाए कि वन से टू तक का एरिया बताएं, तो ये सारी डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए स्केच कर रहा हूँ, वरना ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इतनी डायग्राम स्केच करनी है और आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आपने ज़ीरो से टू तक का एरिया पहले निकाल लेना है। ये देखो ज़ीरो से टू तक का एरिया वो टेबल बता देगा आपको 0.4772, अगर आप टेबल यूज़ करोगे तो 0.4772, और इसमें से आप वन तक का एरिया माइनस कर दें, ये एरिया माइनस कर देना, तो ये वन से टू तक का एरिया आ जाएगा। यानी जीरो से टू तक के एरिया में से आपने माइनस कर देना है जीरो से वन तक का एरिया, और ये 0.4 अगर टेबल आप यूज करोगे तो टू के ऊपर आपको टेबल बताएगा कि ये वैल्यू है 0.4772, और वन तक का एरिया या प्रोबेबिलिटी टेबल्स यूज करते हुए 0.3413 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो वो बनेगा 0.1359। सो दिस रिक्वायर्ड शेडेड एरिया इज 0.1359। तो अंदाजा कर लें कि हमने डायग्राम मुख्तलिफ स्केच करके ट्राई की है कि ये किस तरह से ये एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स किस तरह से फाइंड होता है। तो आप भी ट्राई करें, टेबल सामने रखें और ये एरिया इस तरह से लिखें और प्रोबेबिलिटी फाइंड करें किसके इक्वल है। इस तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज चेंज करते जाएं, 1, 3 कर लें और कुछ 2 और 3 कर लें, 1.5, 2.5 कर लें, यानी यहाँ वैल्यूज चेंज कर करके भी आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन सॉल्व करें टेबल को यूज़ करते हुए, और मुझे आप सेंड कर सकते हो उनको सॉल्व करके आप नोटबुक के ऊपर, फिर आप मुझे स्कैन करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें, फिर मैं आपको कमेंट करता हूँ कि आप ठीक कर रहे हो। तो इस तरह से बेटा जितनी भी मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स में जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे बार बार और मुख्तलिफ वैल्यू चेंज कर करके, तो इसी तरह से आपकी स्किल बढ़ती जाएगी। दूसरा एक और नोट कर लें बात को कि बाज़ का कंटिन्यूस के अंदर इक्वल साइन दिया होता है, बाज़ का नहीं दिया होता, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कंटिन्यूस के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता, उसका एरिया उतना ही रहता है, क्योंकि जब आप 1, 2 नहीं भी लिखेंगे तो इतना वो 1.9999 इतना करीब होगा कि वो निगलिजिबल हो जाता है। तो डिस्क्रीट में फ़र्क पड़ता है लेकिन कंटिन्यूस में फ़र्क नहीं पड़ता। So, कभी भी आपने कैलकुलस के अंदर भी देखा होगा कि जब डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते थे तो कभी इक्वल लिखा हो या ना लिखा हो तो वो एग्जैक्ट उसी फॉर्मूले के इक्वल बताया जाता था। तो कंटिन्यूस के अंदर इक्वल का साइन होना ना होना एक बराबर है, वो ये दो इंटरवल को शो करता है, एक इंटरवल को शो कर रहा है कि 1 से 2 ऐसे भी लिख रहे हैं, यानी इक्वल कर दें 1 लेस आर इक्वल टू जेड लेस आर इक्वल टू 2 सेम थिंग,
फिर एक क्वेश्चन उसी को रिपीट किया गया है कि जेड ग्रेटर देन वन कैसे कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है पहले, ये भी एक्सप्लेन हो चुका है। ये बार बार स्लाइड इसलिए आपको रिपीट करते हैं ताकि वो पिछला आपको रिकॉल होता जाए, एक तो एक वक्फा ही समझ लें अगली स्लाइड के अगले नॉलेज का, और ये दूसरा रिवीजन हो जाती है कि आपने इनको बार बार अंडरस्टैंड करना है। ये टोटल एरिया माइनस वन और वन के दरमियान 68% होता है, ये तकरीबन 95% होता है, ये तकरीबन 99.7% होता है, तो यहाँ ये दिखाया। सेम ऐसे ही अगर बता दिया जाए आपको कि माइनस टू और टू के बिटवीन एरिया फाइंड करें, तो ये देखें ज़ीरो से टू तक एरिया उतना है, और माइनस टू से लेकर ज़ीरो तक एरिया भी 0.4772 है, इन दोनों को ऐड अप करें तो 95.4%। तो इस तरह से वेरीफाई हो जाता है सेकंड लाइन, ये 95.4% के इक्वल आ जाता है एरिया, एरिया बिटवीन माइनस टू टू टू, राइट। ऐसे थ्री के लिए भी वर्क, माइनस थ्री से थ्री, माइनस थ्री तकरीबन देखें यहाँ कंप्लीशन है डाटा की, माइनस थ्री से थ्री तक का एरिया और थ्री तक का एरिया आप यहाँ टेबल यूज करें 0.4987, और दोनों एरिया क्योंकि सिमेट्री की वजह से बराबर होते हैं, दोनों को एड अप करें और ये 99.74%, ये वेरिफिकेशन हो जाती है कि अबाउट 99.7% ऑफ द एरिया बिटवीन दिस एंड दिस लिमिट। अगले क्वेश्चंस जो ये जो स्लाइड है कि मैं इस लेक्चर का अगला पार्ट में उसमें आपको डिस्कस करके दिखाता हूँ, ये सॉल्व करते हैं, तो आगे एग्जांपल्स ही एग्जांपल्स हैं, उसको हम यके बाद ग्रे करते जाएंगे और उसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे। काम उतना ही है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ड्रा कर लेना है, शेड कर लेना है, और साथ टेबल को यूज करते हुए हम आंसर करते जाएंगे, और यूं हमारा पार्ट सेकंड भी कवर हो जाएगा। तो पार्ट वन को बहुत अच्छी तरह से लिखते जाएं, इसमें पीडीएफ लिखें, राइट डाउन करें जो एरिया फाइंड किया गया है उसको लिखें, तो टेबल पर गौर करें, पीडीएफ सामने रखें, उसमें टेबल खोल लें, उन टेबल्स में पहला ही टेबल ये यूज किया जा रहा है वो जीरो के रेफरेंस से एरिया फाइंड करना। सो अब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट वन यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं, और पार्ट टू जो है इसी एग्जांपल वन से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें, खूब मेहनत करें, और आपको अंदाजा हो चुका होगा कि ये लेक्चर प्रेजेंट करने के लिए पीछे कितनी मेहनत की जा रही है। वर्ड की फाइल बनती है, फिर पीडीएफ की फाइल बनती है, फिर आपकी पीपीटी, फिर रिकॉर्डिंग और मैथमेटिक्स ड्राइंग, ये सारा कुछ मिलाकर आपको डिस्टेंस लर्निंग करना कोई आसान नहीं है। तो आपको टीचर इतनी मेहनत करके आपको ये सारा कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको स्लाइड्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सके। तो आप बेटा बस आपकी जिम्मेदारी है कि आपने डिसहार्ड नहीं होना और खूब मेहनत करनी है, और फिर मुझे कमेंट करें, मेरे लेक्चर्स के बारे में भी कमेंट किया करें, और साथ बताएं कि आप सही तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे फ्रेंकली बताएं। अगर आप ग्रुप में नहीं बताना चाह रहे हैं, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपका आपके पास, तो आप उस पर सेंड कर दें मैसेज, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सेटिस्फाई करूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।